बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। कब तक हम यूं ही खून के घूंट पीते रहेंगे? और जिन गंदी निगाहों से वो लोग हमें देखते हैं उनका क्या? ऐसा लगता है जैसे खुली आंखों से बलात्कार हो रहा है हमारा। मन तो ऐसा करता है कि उनकी आंखें नोच लूं। क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? क्या निचली जाति का होना पाप है? उनके घरों की औरतें अपने सीने को कपड़े से ढांक सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्या औरतें नहीं हैं? हमें क्या समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? स्वच्छता का, पहनावे का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और जब हमारी घरों की औरतें अपने सीने को कपड़े से ढांकती हैं, तो हमें मूला कर्म क्यों अदा करना होता है? हमारे घरों की औरतों को उनके स्तन के आकार के अनुसार कर क्यों देना होता है? मकसद सिर्फ एक है कि इस जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना। ये रीति रिवाज, जातिवाद इंसान के बनाए हुए खोखले कानून है। उनकी गंदी निगाहों से बचने के लिए हम अपने आप को चार दीवारी में कैद करके नहीं रख सकते। अरे बाहर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मुश्किल से तो दो वक्त की रोटी नसीब होती है और उस